मुरादाबाद में आज दिखाई जाएगी फिल्म पद्मावत। जगह जगह विरोध सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज शाम पद्मावत फिल्म के 3 3D शो वेब मल्टीप्लेक्स में दिखाए जाएंगे। वेब के GM भूपेंद्र सिंह बाली ने बताया कि उन्होंने 3 दिन पहले ही सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र भेज दिया है। वहीं ASP मुरादाबाद रायस्टन ने बताया कि उन्होंने वेब और PVR पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया है, लेकिन मल्टीप्लेक्स में कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा। वहीं मुरादाबाद में फिल्म पद्मावत के विरोध में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के लोगों ने कलेक्टर के बाहर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, पेड रिव्यू है शो हमारे यहाँ 7:15 बजे पहला शो और 3D में है, उसके बाद 10 बजे है शो। इसके बाद कल कितने शो? कल इसके करीब 12 शो है लगभग। इस तरह की तैयारी है आपके? तैयारी प्रशासन ने करनी है, हमने तो पिक्चर चलानी है, शांतिपूर्वक चलानी है। रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से अगर कोई गलत हरकत ना करे, अगर गलत हरकत करेगा तो फिर प्रशासन अपने आप निपटेगा उनसे। बाली जी, जैसे जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, उसको लेके आप क्या कितने सतर्क? हमने प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया है, एप्लीकेशन लगा दी है और पुलिस को थाने में भी लगा दिया है। सिविल लाइन आपने फिल्म के पोस्टर वगैरह कहीं नहीं लगाए? ये डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं भेजे हमारे, इसलिए नहीं लगाए। क्या पता क्या कह सकते हैं सर इस बारे में। अच्छा, बुकिंग अभी एडवांस कितनी हो गई है? बुकिंग हमारे पास करीब 150 लोगों की बुकिंग हो चुकी है आज शाम के शो की। बुकिंग जारी है? बुकिंग जारी है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। नहीं नहीं, कोई ऐसा खौफ वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और उम्मीद है ठीक ही रहेगा। देखिए, हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का लेकर के ये धरना प्रदर्शन आज है। माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम जी को हम दे रहे हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया जा रहा है ये, जो कि लीला भंसाली जी ने जो प्रोडक्शन फिल्म बनाई है पद्मावती, और पद्मावती के नाम बदलने से कोई उसका रूप नहीं बदल जाता है। जो उन्होंने हमारी देश की नारी का एक अपमान उसमें दिखाया है, और वो क्या है, वो एक देश हित के लिए नहीं है, देश का भी अपमान है। उसके साथ साथ तो एक तरफ तो हमारे कहे जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी का सम्मान करो, एक तरफ हमारी नारी का हमारे देश की नारी का अपमान किया जा रहा है, एक धर्म की उसके लिए इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, वो जो कि गलत है। देखिए, अभी हम जो प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री के माध्यम से और महामहिम को जो ज्ञापन दे रहे हैं इनके माध्यम से हम अवगत करा रहे हैं कि पहले भी ऐसे प्रोडक्शन जो कि बंद हो चुके हैं और केंद्र सरकार के माध्यम से गृह मंत्रालय के माध्यम से, तो इस पर हम चाहते हैं कि ये भी बंद हो जाए। मुरादाबाद में भी रिलीज हो रही है, उसके बारे में आज शाम को हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके हम सिनेमा घरों के आगे धरने और प्रदर्शन करेंगे, उसको हम नहीं चलने देंगे। हम पुलिस ने सुरक्षा देने का वादा किया है, जो कोर्ट का है आदेश है उसका हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सम्मान के आदेश के अनुसार ही हम आगे ये बढ़ाते हैं कि दूसरे को भी सुना जाए। हमारी भी याचिका उसमें दायर हो चुकी है, जो हमारे क्षत्रिय महासभा के लोग हैं जो मतलब वकील हैं, उन्होंने भी आगे अपनी याचिका दायर की, आज उसके पास सुनवाई है। लेकिन वो सोमवार तक के लिए टल गई है वो
अगर हम चलाएंगे तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और उसे नहीं चलने देने की बात रखेंगे। क्या नाम है? अरविंद कुमार राठौर, नगर अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा मुरादाबाद। है पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ सिविल लाइंस में दो मॉल हैं, वेब और पीवीआर, दोनों जगह दो दो इंस्पेक्टर्स और उनके साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो भी प्रदर्शनकारी या उत्पाती हैं, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कितनी फोर्स लगाई गई है, कुछ जानकारी है? महिला पुरुष? महिला इंस्पेक्टर्स भी लगी हुई हैं, SSI भी लगी हैं और महिला पुरुष भी है। पूरी तैयारी है प्रशासन? तैयारी है प्रशासन की और कुछ होने नहीं दिया जाएगा। दर्शकों को पूरी जो है सुरक्षा प्रदान करेगी? बिल्कुल, स्क्रीनिंग में किसी तरह के कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की चुनौती को सख्ती से निपटा जाएगा और जो भी इसके लिए हर संभव प्रयास किए। जो एक खौफ है फिल्म देखने वालों में डर के मारे, वो सिनेमा घर की तरफ नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या? नहीं, वो बिल्कुल निडर होकर स्क्रीनिंग फिल्म की देखें, उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और इस तरह का कोई भी कार्य जो फिल्म देखने वालों को या मॉल्स को प्रभावित करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सही है।